मोदी का थर्ड टर्म, लोग कह रहे हैं कि थर्ड टर्म में तीसरी स्ट्राइक भी हो जानी चाहिए। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ऑल आईज ऑन रियासी, इसमें मैं देख रही थी कि अब तक क्या हुआ है, तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने इसका एक्शन ले लिया इसके ऊपर और रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उन तक पहुंच गई है। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री फारूक हैदर खान ने बयान दिया है और बयान ये दिया है कि रियासी हमले के बाद भारत ले सकता है बदला, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार रहे। रियासी हमले के बाद देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है, भारत की जवाबी कार्रवाई का डर उसे सता रहा है। तो पीओके के पूर्व पीएम फारूक हैदर का बयान आया सामने, पीओके में जवाबी हमले की आशंका जताई गई। जो 10 लोग मारे गए हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, 10 माओ के लड़के मारे गए हैं, उनके लिए दुआ करें। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इधर सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। कि 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं, कल की बात है। अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी उस पे हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा अब आपके फौजी जो है वो शहीद होंगे। ये जो सिंबोलिज्म जिसने भी चूज करी है, आई डोंट नो एट व्हाट लेवल डिड द चीफ ऑफ आईएसआई गिव द नॉड टू दिस ऑपरेशन, बगैर उनके नॉड के ऐसा तो होता नहीं था, इतनी आसानी से नहीं किया जाता और इतना ये जल साहब एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं डीजीआईएसआई ने किया होगा, आर्मी चीफ ने किया होगा। मैं जाती तौर पर जिस दिन नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय में, कि कोई मुल्क चाहेगा कि इंडिया के अंदर ये ऑप्टिक्स क्रिएट हो। ये स्टेट ये ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट कर सकती, स्टेट के बड़े टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑप्टिक्स क्रिएट करने के। अगर फॉर इंस्टेंस कल एक इंसिडेंट हमारे यहाँ, हमारे 7 फौजी शहीद हो गए, आपके वहां पे 10 जवान जो है आज फौजी लोग जो है सिविलियन शहीद हो गए, द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है इस चीज का। लेकिन मूविंग ऑन जल साहब, इस चीज पे अगर हम ये कहें कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी आपने किया, तो फिर तो बात खत्म हो गई। आपको क्या लगता है ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है? आप तमाम छोटे ममालिक को तो इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है। आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने 2 बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते, और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखने ही नहीं, आप समझते ये हमारे नेबर ही कोई नहीं। ये किसने शुरू किया, किसने रिएक्ट किया, किसने काउंटर रिएक्ट किया, किसने काउंटर का काउंटर किया, यू नो, ये टिट फॉर टैट नोक झोंक ये बड़ी देर से चली आ रही है। इन ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से 1947 में जब आपने कश्मीर में लश्कर भेजे तो शुरुआत आगाज आपने किया, तब से ये टिट फॉर टैट का मामला शुरू हो गया है। नाउ वेदर द चिकन केम बिफोर और द एग केम बिफोर, ये तो वी कैन आर्ग्यू टिल द काउज कम होम। यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज क्वाइट वैलिड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आई विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज इक्वली वैलिड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। लेकिन कई चीजों की ना एक टोकनिज्म होती है, अगर आईएसआई को करना भी था, अगर ये दूसरे तीसरे चौथे दिन करते हैं हमारी जो स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू मोदी 3.0, तो कोई और चीज बनती। जिस दिन स्वेरिंग इन हो रही है ऐसा इंसिडेंट करना, ये मास कैजुअल्टी है। इसी 1-2-3 शायद लोग स्टमक कर लेते हैं इस मुल्क में, करे भी जा रहे हैं काफी। देखें ये आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताएं दो, अभी तो उन्होंने हलफ उठाया और आपको, और इसमें मैं देख रही थी कि अब तक क्या हुआ है, तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने इसका एक्शन ले लिया इसके ऊपर और रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उन तक पहुंच गई है, और उसके ऊपर जो भी जिस तरीके से अपॉइंट किए जा रहे हैं लोग के, इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो ऑर्डर्स जो है वहां से जारी कर दिए गए। और फिर जब इसके ऊपर मैं वीडियोस देख रही थी तो उसके अंदर वहां पर एक बल्कि लेडी पुलिस ऑफिसर ही बता रही थी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स लगा दिए हर जगह पर, और उसमें फिर तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस या उस एरिया में, देखिए ना ऐसी जगहों पर जहां पर ट्रैवल के दौरान बस जो है वो वहां पर, ऑल आईज ऑन रियासी, जी आप ये कह रहे हैं जो कमेंट आ रहे हैं, ये रियासी जो वो जगह है अतुलपुरी जो है वो ये कह रहे हैं, तो उसमें आप अब जाहिर है कि ड्रोन लगाएंगे या आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो पता तो चल जाता है, यानी ये कि जाहिर है कि पता चल जाता है कि
कहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद जाहिर है कि फिर बता भी दिया जाएगा, कह भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है ये मसला उठा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे हो रहा है। पहली दफ़ा तो है नहीं, फ़र्ज़ करें कि अगर अभी तो देखिए कि एक जनरल बख्शी ने कहा ना, लेकिन अगर हकूमती लेवल पर या उस तरफ से ये बात उठाई जाती है कि जनाब ये जो है ये इसकी तरफ से करवाया गया है, या सरहद पार की तरफ से ही दहशतगर्दी हुई, या हमेशा की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये वाली जो है ये दहशतगर्दी करवाई गई है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, ये मांगा जाएगा। तो वो ये वही चक्कर चलेगा जो पहले चलता है, वही होगा सारा। तो ये अब और फिर देखिए ना, एक ऐसे टाइम में के जब पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद भी नहीं दी गई, आप या तो वो फिर लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये तो अंदर कुछ पक रहा था इनके, मुबारकबाद पहले से ही लोग ये कह रहे हैं, आपको पता है ये सवाल उठाए जाते रहे कि देखिए पूरी दुनिया से कांग्रेस किया जा रहा है और मोदी साहब ने भी कांग्रेस अब कर दिया है, लेकिन ये तो वाकया हो चुका ना, वाकया होने के बाद आज आपने ये कांग्रेस किया, तो लोग उसके साथ इसको नथी कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि मुबारकबाद भी नहीं दी गई थी तो किस चीज़ का गुस्सा था, क्या सोचा जा रहा था, क्या प्लानिंग की जा रही थी, ये सब बातें हो रही हैं, ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो कम अज़ कम तुसी ऐ कर दे कि मुबारकबाद का पैगाम ही रत्ती पहुँचा देना सी रात नूं, है जी। तो वो जो है फिर वो जो एक सस्पिशियस वो एक जन्म लेता है वो ना लेता, लेकिन वो कह रहे हैं देखे ना, अब ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान की साइड से जो है आते हैं और दहशतगर्दी होती है, तो ये तो एक बहुत पुराना एक वो है, इल्ज़ाम है, कहा जाता है बात, और इसकी वजह से तो आपको पता है FATF और सारा इसके ऊपर जो है वो चलता रहा और जो कुछ भी होता रहा। तो अब जैसे ही कह रहे हैं लोग के पाकिस्तान विल हैव टू पे फॉर दिस, वही ना, वही स्टार्ट हो गया सब कुछ। तो हुआ ये, इसका जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर आ गए हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो एक बार फिर उसी तरीके से थर्ड टर्म में भी स्टार्ट हो रहे हैं, और इसको तो कंडेम किया जाना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये तो एक अच्छे तरीके से, जैसा मैं तो ये कह रही थी अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि चले इस ये एक मौका है पाकिस्तान के पास, फ़ायदा इससे उठाइए और अपने रिलेशंस को बेहतर कीजिए। लेकिन मुझे पहले ही पता था और हम देख रहे थे कि मुबारकबाद नहीं दी जा रही, इस सिलसिले में कोई बात नहीं की जा रही। वो ठीक है कि जाहिर है कि पाकिस्तान के PM चाइना में भी थे, लेकिन फिर भी वो तो वो उन्होंने ट्वीट कोई ये थोड़ी है कि कोई खुद जाकर वहाँ पर पहुँचानी, ट्वीट तो आपकी उसी वक्त आ सकती थी जब दुनिया के लीडर्स की आ रही थी, लेकिन बहुत बाद में अभी आई है। ये एक नॉनसेंस बात होगी अगर ये कहेगा कि इंडिया दहशतगर्दी चाहता है या करना चाहता है। इंडिया तो जिस तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुका है वो तो ये चाहता है कि दहशतगर्दी ना हो, और इसीलिए बात कही जा रही है कि हमें इससे दूर रखें। मतलब जैसे कि इससे पहले तकरीरों में भी कहा गया कि भाई आप जो कर रहे हैं करते रहे, आपको खाना मिलता है नहीं मिलता, आपको कशकोल पकड़ के जाना पड़ता है, आपकी मर्जी, आप जैसे अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए, हमें जो है हमारे हाल पर छोड़ दें, हमने आपको आपके हाल पर छोड़ दिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं और हो नहीं रहा,